हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं मटर का नोना। एकदम यूपी स्टाइल है दोस्तों। इसे बनाने के लिए हम बस थोड़ा सा सामान चाहिए। ये बिना मसाले का बना है दोस्तों, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ठंडियों का तो फेमस डिश है ये, घर में बनने वाला मटर का निमोना दोस्तों। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सामान लिया है। हरी मिर्च लिया है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है और हरा धनिया लिया है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया, इन सबको अच्छे से धुल के रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे मटर लिया है, मटर को भी मैंने यहाँ पे अच्छे से छील के धुल के रख लिया है। उसके बाद मैंने आलू लिया था, उसे भी अच्छे से छील के कट करके धुल के रख लिया है। ये देखिए दोस्तों, कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जार लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज डालूंगी। प्याज को कट करके उसमें डाल के थोड़ा सा उसमें हम पानी डालेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इसको तैयार कर लेंगे पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे अब हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल जो लाल हो उसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा जैसे ही लाल हो जाए दोस्तों, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज का पेस्ट डाला है। बस दोस्तों इसे पकाते रहेंगे, जब तक ये पकता रहेगा तब तक हम यहाँ पे अपना मटर पीस लेते हैं। इसको ज़्यादा दर मतलब ज़्यादा पेस्ट नहीं तैयार करना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही बस पीसना है इसको, ज़्यादा ज़्यादा नहीं पीसना है। ऐसे दरदरा रहे थोड़ा अच्छा लगेगा खाने में। फिर उसके बाद दोस्तों हम यहाँ इसको मिक्स चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से पकड़े ना, ध्यान देते रहिएगा इधर भी। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे ही ये लाल हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, और उसके बाद हमने यहाँ पे मटर डाल दिया है। मटर को हम अच्छे से भुनेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है थोड़ा सा सूख जाए और ये पूरा जो चिपका हुआ है तो ये अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों वही जार लेंगे, फिर उसी में अदरक डालेंगे और फिर यहाँ पे लहसुन डालेंगे। लहसुन आप हरी पत्ती पत्ती वाला भी यूज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने मिर्ची डाला है और हरा धनिया। इनका हम चटनी तैयार कर लेंगे। बस दोस्तों थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरा ये भी रेडी हो गया है। अब उसके बाद दोस्तों इससे ज़्यादा नहीं, ऐसे ही दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं तैयार करना है। इसके बाद हम यहाँ चेक करते रहेंगे। ये देखिए बगल बगल से ये पक रहा है तो थोड़ा बहुत तेल निकल रहा है बगल बगल से, इसका यही चीज़ होता है। अगर ये पकने लगता है तो नीचे नीचे साइड साइड से छोड़ देता है। अब बस दोस्तों इसे हम ऐसे धीमे आँच पे एकदम ऐसे पकाते रहेंगे। हाई फ्लेम पे जल्दी जल्दी करना रहेगा तो हाई फ्लेम पे भी आप पका सकते हैं, बस ध्यान रखें कि नीचे पकड़े ना कढ़ाई में। ये देखिए दोस्तों, जो भी पकड़ रहा है थोड़ा बहुत तो उसे कलछे से करके हटा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही थोड़ा धीमे धीमे करके भूनना है हमें, जितना भूनता है उतना टेस्ट आता है इसका। ये देखिए दोस्तों, भून के तैयार हो गया, सब अलग हो गए हैं। अब हम यहाँ पे आलू डालेंगे। आलू को भी दोस्तों हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे इसे मिक्स कर दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे। एक बात है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक भी मसाले का यूज़ नहीं किया है सिवाय हल्दी पाउडर का। उसके बाद मैंने यहाँ पे चटनी डाला है जो मैंने हरी मिर्च धनिया और लहसुन का तैयार किया था। अब इनको भी हम अच्छे से एक दो मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो मिक्सर में थोड़ा सा लगा था तो उसको भी अच्छे से धुल के डाल दिया है। बस दोस्तों, और ये देखिए मेरा एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है, घुल गया है मतलब ये। अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमें थोड़ा सा काढ़ा बनाना है इसलिए तो हम पानी थोड़ा कम डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ऑयल ना निकलने लगे। ऑयल निकले मतलब एकदम साइड साइड से छोड़ देता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही उबाल आ जाएगा उसके बाद हमें अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद आप दोस्तों हम इसे कुछ देर के लिए ढक के पकाएंगे। फिर इसे हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों हम इसे ढक देंगे। अभी हम आगे आपको दिखाते हैं कैसे पक जाता है, लास्ट में कैसे कलर आते हैं।
नहीं पका है दोस्तों, अभी हम फिर से भी इसमें चेक कर लेंगे एक बार। पूरा नहीं ढकना, थोड़ा सा खोले रहिएगा नहीं तो गिरने लगेगा। ये देखिए दोस्तों एक बार, नहीं ये देखिए ये पक के तैयार हो गया है, और ऐसे ही तेल निकल आएंगे। बस यही है मेन पकने का वो। बस दोस्तों ये देखिए हमारा पक गया निमोना। इसे आप चावल या फिर रोटी या फिर मैं उस बाजरे की रोटी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है निमोना। बस दोस्तों ये देखिए हमारा रेडी होकर तैयार हो गया है, हम इसे पैकेज कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों कमेंट भी करिएगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।